ब्लैक होल। अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसा गहरा कुआं जिसका नाम सुनकर ही वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो दानव है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेता है, और वो चीज कहां जाती है ये किसी को पता नहीं चलता। यहां तक कि ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद प्रकाश तक को निगल लेता है, इसीलिए उसे देख पाना भी नामुमकिन है। साइंटिस्ट की माने तो हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, और ये इतना खतरनाक होता है कि इसके अंदर ना तो समय का कोई अस्तित्व होता है और ना ही रोशनी। और एक दिन अचानक से ब्लैक होल को लेकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि ब्लैक होल हमें निगल ले तो हम कहां पहुंच जाएंगे? क्या ब्लैक होल हमारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, या फिर हमें यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में ले जाके पटक देगा? और क्या होता है ब्लैक होल के अंदर? जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट। दोस्तों, सर अल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो कि स्पेस के लगभग हर ऑब्जेक्ट पर काम करती है, वो भी ब्लैक होल के मामले में फेल हो जाती है, यानी कि ब्रह्मांड के भौतिक नियम भी इस पर काम नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसा है क्या ब्लैक होल के अंदर? इंग्लैंड की डरहम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड मैसी इसका सीधा सा जवाब देते हुए कहते हैं, कोई नहीं जानता। यानी कोई नहीं जानता कि मैसिव ब्लैक होल अपने अंदर खींच कर आपका भरता बना देगा, या एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ले जाकर फेंक देगा, या फिर काले अंधेरे में ट्रैप कर देगा जहां आप फंसे रह जाओगे। सालों से रिसर्च करने के बाद भी वैज्ञानिकों को इन सवालों के सटीक जवाब नहीं मिले। हम सभी जानते हैं कि जब एक मैसिव स्टार की डेथ होती है, यानी कि वो अपने अरबों सालों के जीवन काल में अपना पूरा हाइड्रोजन खत्म कर लेता है, तो उसमें होता है एक बहुत बड़ा धमाका और उसके बचे हुए कोर में ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने लगता है। सभी एटम्स एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इतने डेंस हो जाते हैं कि धीरे 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 करके, यानी एक दूसरे में सिमटते हुए घुसते हुए पूरा का पूरा मास सिंगल पॉइंट में सिमटने लगता है, और इसी पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। और यही पॉइंट आगे चलकर किसी ब्लैक होल की सुपर डेंस कोर बनता है। सिंगुलैरिटी से बने ब्लैक होल को लेकर जर्मनी के फिजिसिस्ट कार्ल शॉर्टचाइल्ड ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बारे में बताया था कि ये, जो कि पॉइंट ऑफ नो एस्केप के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्लैक होल के चारों तरफ मौजूद एक बाउंड्री होती है। कार्ल के मुताबिक अगर आप गलती से भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के ऊपर से ट्रैवल करते हैं तो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल आपको अपने अंदर खींच लेगी, और इसके अंदर के हाई टाइडल फोर्सेस आपकी बॉडी के हर एक एटम को अलग कर देंगे, फिर उस पर वर्टिकली स्ट्रेच और हॉरिजॉन्टली कंप्रेस फोर्स लगाकर उसे नूडल की तरह स्ट्रेच कर देंगे। इस इफेक्ट को स्पेगेटिफिकेशन या नूडल इफेक्ट भी कहा जाता है, और आखिर में आपकी बॉडी, या यूं कहें कि नूडल, सिंगुलैरिटी में दफन हो जाएगी। सुनने में पैरों तले जमीन खिसक गई ना? इसी वजह से ज्यादातर साइंटिस्ट ब्लैक होल को ब्रह्मांड का काल भी कहते हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट मिशियो काकू ने ब्लैक होल पर नई स्टडी रिलीज करके उसमें बताया है कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है, उसके अंदर की दुनिया कैसी होती है और ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में मिशियो काकू की थियरी से। सबसे पहले बात करें कि इसका नाम ब्लैक होल क्यों पड़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कोई भी चीज कब दिखाई देती है, जरा सोच के देखिए। सीधी सी बात है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है तो हम देख पाते हैं कि सामने क्या है। लेकिन ब्लैक होल यूनिवर्स में ट्रेवल करने वाली फास्टेस्ट लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, यानी कि ब्लैक होल की तरफ जाने वाली लाइट कभी रिफ्लेक्ट होकर वापस आती ही नहीं है। अब जब लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वो एरिया तो हमें ब्लैक ही दिखाई देगा, इसीलिए इसे ब्लैक कहते हैं। और ये अपने आसपास वाली हर चीज को खींच कर निकल लेता है, जिसे हम एक बड़े गड्ढे यानी होल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और इसीलिए ब्लैक प्लस होल इज इक्वल्स टू ब्लैक होल। दोस्तों, शुरुआत में तो ब्लैक होल काफी छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अपने आसपास के स्टार्स, प्लैनेट और मून्स को निगलते 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 ये अपने साइज को बढ़ाते चले जाते हैं, यहां तक कि ये ब्लैक होल एक दूसरे को भी निगल सकते हैं। यानी कि अगर दो ब्लैक होल एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो बड़ा वाला छोटे वाले को कच्चा चबा जाएगा। अब आकार के अनुसार इनके चार प्रकार होते हैं, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, मिनिएचर ब्लैक होल एंड सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिनमें से सुपर मैसिव ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि इनका मास हमारे सन के मास से कम 1,00,000 गुना और ज्यादा से ज्यादा कई बिलियन गुना तक ज्यादा हो सकता है। हाई मास की वजह से इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये पूरी की पूरी गैलेक्सीज तक को निगल जाते हैं।
मिशो काकू बताते हैं कि ब्लैक होल के टोटल तीन हिस्से होते हैं, जिसमें से पहला होता है इवेंट होराइजन, यानी कि ब्लैक होल की बाउंड्री, जिसके बारे में अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि अगर उसके आसपास कोई गया तो उसका काम तमाम, और यहीं से ब्लैक होल ब्रह्मांड की किसी भी चीज को अपने अंदर खींचता है। फिर दूसरा हिस्सा आता है इसका फोटोन स्फीयर, जो ब्लैक होल के चारों ओर इवेंट होराइजन के बाद मौजूद एक ऐसा स्थान होता है जिसमें इवेंट होराइजन को पार करके उसके अंदर जाने वाला पदार्थ उसमें गोल गोल घूमने लगता है, और धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के आखिरी हिस्से यानी सिंगुलैरिटी के अंदर गिर जाता है, जो कि ब्लैक होल का आखिरी ऐसा पॉइंट होता है जिसमें ना स्पेस होती है और ना ही टाइम, इसीलिए यहां पहुंचकर फिजिक्स के सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब यहाँ पे फिजिक्स के सारे नियम काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आखिरकार ये सिंगुलैरिटी पॉइंट पर होता क्या है? तो स्पेस में हाइड्रोजन, हीलियम और आयन, ये तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें से कोई भी स्टार हाइड्रोजन और हीलियम को तो फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन आयरन कभी भी किसी भी स्टार के न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, और जब हाइड्रोजन और हीलियम बर्न होता है तब आयन उसके सेंटर में जाकर इकट्ठा होता रहता है। आखिर में जब हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाते हैं और स्टार की डेथ हो जाती है तो जो एटम्स एक दूसरे पर कोलैप्स करके सिंगुलैरिटी पर जाकर इकट्ठा होते हैं वो है आयन, यानी ब्लैक होल के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो है आयन, और इसी आयन की हाई मास एंड ग्रेविटी दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक होल के अंदर खींचती है। यानी कि कुल मिलाकर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम आयन एज अ मैटर और दूसरी सभी चीजें जो वो अपने अंदर खींच लेता है। हालांकि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्लैक होल एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का रास्ता हो सकता है, जैसे कि 1935 में यानी कि 1935 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने मिलकर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट पेश किया था, जो कि थियोरेटिकली एक ऐसा ब्रिज था जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ता है, जिसे आज हम वर्म होल्स के नाम से जानते हैं, जो कि फनल शेप की एक ऐसी स्पेस टाइम टनल है जिसकी एक साइड से एंटर करके हम दूसरी साइड से अलग ही गैलेक्सी में बाहर निकल सकते हैं। अब थियोरेटिकली ब्लैक होल की तरह ही यूनिवर्स में एक व्हाइट होल भी होता है, जिसे हम ब्लैक होल का ही अपोजिट कह सकते हैं, यानी कि ये स्पेस टाइम और सिंगुलैरिटी का एक ऐसा रीजन होता है जो एनर्जी, लाइट और मैटर को अपने अंदर खींचने की बजाय बाहर फेंकता है। ऐसे में तो ये पॉसिबल है ना कि ब्लैक होल किसी वर्म होल का एंट्री पॉइंट हो और दूसरी तरफ व्हाइट होल उसका एग्जिट पॉइंट हो, यानी कि कुल मिलाकर यहां से एंट्री मारी और वहां से एग्जिट हो गए। ऐसे में देखा जाए तो गैलेक्टोरियल और मल्टीवर्स ट्रेवल भी पॉसिबल हो जाएगा, है ना? लेकिन इसे लेकर अमेरिकन फिजिसिस्ट किप थॉर्न कहते हैं कि अगर ऐसा है भी तो इंसानों का इसके जरिए फिजिकली ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में फिलहाल ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट खोजा नहीं गया जो इवॉल्व होकर वर्म होल बन सके। अब उनका कहना भी ठीक है, क्योंकि इवेंट होराइजन से ब्लैक होल में एंटर हुई लाइट ही बाहर नहीं निकल पाती है तो भला हम इंसान कैसे निकल पाएंगे, और ब्लैक होल के अंदर एक्चुअली में क्या है वो हम कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा कैमरा तो लाइट कैप्चर करके ही फोटोज और वीडियोज ले सकता है ना, जिसे तो ब्लैक होल वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। यानी कुल मिलाकर ब्लैक होल यूनिवर्स की एक ऐसी पहेली है जिसे हम थियोरेटिकली तो सुलझा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये हमेशा एक मिस्ट्री बनी रहेगी। तो दोस्तों, अब हम आपसे पूछते हैं, क्या ब्लैक होल के अंदर से मल्टीवर्स ट्रेवल पॉसिबल है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। और आपके लिए वीडियोस बनाने में हमें काफी एफर्ट लगते हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही स्पेस से जुड़े ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए रिफ्लेक्ट को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।